नमस्ते, मेरा नाम शरण्या, मैं केलिंग चेन्नई हेड ऑफिस में मैं काम करती हूँ। आज हम और एक सेशन में आज हम लोग सब मिलने के लिए मुझे भी एक मौका मिला। तो आज अभी बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, सो ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम महिलाओं, हम लोगों इतना सपने हैं, सो वी हैव मोर ड्रीम्स, लेकिन ये सपने हम लोगों को अचीव करने के लिए इतना मुश्किल होते हैं, इतना चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं ये हमारे सपने को हम लोग अचीव करने के लिए। लेकिन आज इस प्रोग्राम के लिए आज बहुत सारे महिलाओं आज ज्वाइन किए, तो पहले मैं सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि इस प्रोग्राम जरूर आप सब लोगों को इट विल बी ए इन्फॉर्मेटिव सेशन, क्योंकि जो केलिंग में जो महिलाओं जो ज्वाइन किए सब लोगों को इतना सपने है, सो आपको इतना ड्रीम्स है, लेकिन आज ये सब के लिए आपको एक सोल्यूशन मिलेंगे। तो आज का प्रोग्राम, आज का सेशन, सो के इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन क्योंकि केलिंग में सब महिलाओं के लिए एक अच्छी प्लेटफॉर्म है। हम महिलाओं, हम लोग जिंदगी में कैसे जीतेंगे और जीतने के लिए हम लोग क्या क्या करना है, क्या क्या फॉलो करना है, सो केलिंग के बारे में क्या है, तो इस केलिंग में हम लोग भी हाउ टू सक्सेस, हाउ वी विल आल्सो विल सक्सेस इन केलिंग, तो ये सब बातें आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो हम आज हमारे पास एक स्पीकर आज जुड़े चुके हैं, सो हर नेम इज मिस पॉलमिन सरकार। सो लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट मिस पॉलमिन सरकार। सो शी इज ज्वाइंट इन केलिंग, सो 2018 में केलिंग में ज्वाइन किए और शी हैज कंप्लीटेड हर जस्ट नाउ शी हैज कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन एंड शी इज ऑल्सो ए प्रोफेशनल डेवलपमेंट डायरेक्टर ऑफ रोटरी टेक क्लब एंड शी हैज गॉट अ ब्लैक बेल्ट इन कराटे एंड शी हैज प्लेड अ टूर्नामेंट, सो इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल ऑल्सो शी हैज प्लेड टूर्नामेंट। एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो हर फादर शी इज अ क्राउन मैनेजर हुज नेम इज मिस्टर पार्थ सरकार। तो वो मैंने उनके पास मैंने पूछा, सो आपके बारे में कुछ बताइए, जैसे मैंने उनके पास पूछा, सो शी सेड दैट हर ड्रीम्स इज बीन फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ हिज फादर, क्योंकि उनका फादर, उनका पिताजी तो ही इज अ फुल टाइम बिजनेस, ही इज डूइंग केलिंग फुल टाइम, एज अ फुल टाइम बिजनेस ही इज डूइंग, एंड नाउ शी इज डूइंग केलिंग बिजनेस, नाउ शी हैज जॉइंड टू डू केलिंग बिजनेस एंड शी वांटेड टू अचीव मोर इन केलिंग। पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्लीज वेलकम मिस पॉलमिन सरकार। Namaste, ma'am. We are all eager to meet. Call you, ma'am. Okay. So, thank you. Thank you, Saranya, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, also, ma'am. A big thanks to Jaga sir also for this opportunity. सो आज हम लोग, जैसे कि आप लोग पोस्टर देख के पता ही कर चुके हैं, जे आज हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके बात करेंगे। मुझे सिर्फ एक बात कहना है, जे जो मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, मेरा मदर टंग बंगाली है, बट फिर भी मैं हिंदी बोल के आप लोगों के साथ बात करूंगी जिससे आप लोगों को भी मदद मिले समझने में। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो आप लोग सॉरी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, बिकॉज मेरा हिंदी अच्छा है, उतना भी खराब नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। ओके, सो गुड इवनिंग, आई होप सब लोग अच्छे हैं आप लोग। सो थैंक यू मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, मेरे साथ ये एक सेशन करने के लिए। सो वही हम बोल रहे जो एक विमेन हो के हम लोगों को घर में जैसे संभालना पड़ता है सब चीज, आई थिंक वो चीज बहुत हेल्प करता है केलिंग फैमिली में बिल्डअप करने के लिए बिजनेस, जो के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है केलिंग प्लान पे, क्योंकि एक मैन जितना अच्छी तरह से एक फैमिली बिल्डअप, एक कम्युनिकेशन जितनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते, एक वुमेन कर सकते, क्योंकि उनको पर्सनल लाइफ में भी एक फैमिली को मेंटेन करना रहता है। तो वो चीज हम लोग का बॉर्न एंड ब्रॉटअप होता है, तो वही चीज मुझे लगता है जो मेरा फादर को जितना एडवांटेज नहीं मिला, मुझे थ्रू केलिंग मिला है बींग अ वुमेन। सो मुझे ऐसा भी लगता है जो आप लोगों को भी यही चीज मोटिवेट करेगा, बाद में जाके जब आप लोग एक टीम बिल्ड करेंगे आप लोगों को ये एक बड़ा सा एडवांटेज लगेगा। सो तब आप लोगों को लगेगा जो हाँ मेरी बातें मतलब हम एकदम पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। सो आई थिंक ये चीज आप लोग सबको हेल्प करेंगे। सो अभी एक प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर लाइक केलिंग से आप लोगों को क्या मिलेगा, कैसे आप लोग बिजनेस कर सकते, क्यों केलिंग प्लेटफॉर्म इतना हेल्पफुल है आपको बिजनेस करने में। सो
मैम आप बोलिएगा स्क्रीन शेयर हुआ है कि नहीं. ओके मैम. ओके सो आज का मीटिंग बिजनेस ट्रेनिंग होगा आप लोगों के लिए. आई होप ये काम करे. सो नेक्स्ट व्हाट इज योर ड्रीम, जो मेन बात है जिसके लिए हम लोग का एक मतलब हम लोग एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जिससे हम अपने सपने को पूरा कर सके. सब कुछ का मेन एम होता है एक ड्रीम. जैसे कि किसी का एम होता है एक घर करना, मेरा खुद का एक घर रहेगा. किसी का होता है जैसे एक गाड़ी, मेरा खुद का गाड़ी रहेगा. कोई बोलता है जैसे कि मेरा भी एक ड्रीम था जो हम ग्रेजुएट होंगे जब फर्स्ट क्लास लेके करेंगे. सो वो भी एक सबका एक ड्रीम्स रहता है. मेरा बहुत था, बहुत कुछ फुलफिल भी हुआ जो कि इंट्रोडक्शन में सरन्ना मैम आप लोग के साथ शेयर भी किए. जैसे मेरा इंटरनेशनल नेशनल खेलना सब मेरा केलिंग के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है बिकॉज मेरा फादर एक फुल टाइमर था केलिंग में. सो जो भी केलिंग के थ्रू मेरा फादर का एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आया उसके वजह से हम अपनी ड्रीम पूरा कर सके. बिकॉज मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी तो मेरा आई थिंक केलिंग मुझे बहुत हेल्प किया इस जर्नी में. मेरा फादर को भी बहुत हेल्प किया ना, अभी हम जो ज्वाइन किए मुझे भी बहुत हेल्प किया. सो किसी का भी ऐसा भी सपना रहता है जो बाहर घूमना, फ्लाइट्स में उठना, जैसे मेरा भी था. मेरा जो कि हम बोले जो मेरा वो सब फुलफिल हुआ है थ्रू केलिंग. सो यही सब जब सपने हम लोग के अंदर रहता तो हम लोग को फुलफिल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मांगते. अगर मुझे कोई वो चीज पूछेगा तो मैंने छोटा इससे देखा है जब मेरा फादर वो चीज वो प्लेटफॉर्म केलिंग के थ्रू ही मिला है. सो मैंने भी जब मेरा 18 हुआ, मेरा जिस दिन 18 हुआ उसका दूसरा दिन ही हम जाके ज्वाइनिंग किए केलिंग. बिकॉज मुझे भी ये लगा जे ये मेरा प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा. सो जैसे कि हम लोग सबको पता ये हम लोग सुने भी है ये वाला बात जैसे कि ड्रीम इज नॉट व्हाट यू. हम लोग सपने में जो सपना देखते हैं वो सपना हम लोग का नहीं है. जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना मेरा सपना है कुछ बन के दिखाने में, वो जो हम लोग सोते समय सपना देखते हैं वो हम लोग का सपना नहीं है. जो सपना हमें सोने नहीं देता है वो हम लोगों का सपना होता है. सो मैं यही बोलूंगी जो हम लोग बहुत जन होते हैं जो सोते सोते एक सपना देखे हम लोग सोचे काश ये सपना हम लोग का पूरा हो. वो वाला चीज आप जिस दिन शिफ्ट करके ऐसे सोचेंगे ना जे मेरा ये सपना है और मैं ये फुलफिल करूंगा तो आपको नींद भी नहीं आएगा ठीक से. सो ये डिफरेंस जब हो जाएगा उस दिन देखिएगा जब जो सपना आपको सोने नहीं देगा वही सपना आपका पूरा होगा. यहाँ पे हम लोग बहुत जनों को देख रहे हैं जैसे कि मेरा कर्सर आई थिंक दिखाएगा आप लोगों को. ये जो सेकंड पर्सन है ये है फाल्गुनी नारायण. ये है हम लोग का नायका का फाउंडर. आई होप यहाँ पे नायका के बारे में बहुत जने जानेंगे कि वो एक नॉर्मल ऐप है जहाँ से हम लोग परचेस करते हैं. सो वो उसका फाउंडर है ये मैम. सो यहाँ पे सभी लोग एक एंटरप्रेन्योर है, वुमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, फेमस वुमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया यहाँ पे सभी लोग है. सो आप देख रहे हैं हम लोग का वुमेन को लेके इंडिया में बहुत एडवांटेजेस है. हम लोग सिर्फ आगे बढ़ने में डरते हैं. जिस दिन हम लोग आगे बढ़ने में नहीं डरेंगे हम लोग भी ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं इसमें आपका भी पिक्चर रहेगा. ये आपको ही फुलफिल करना है. आप जो सपना देख रहे हैं वो सपने को ऐसा सपना करना है जो आपको सोने ना दे तो आपका एक दिन ये भी फुलफिल होगा. जी ये जो फ्रेम देख रहे इसमें आपका भी फोटो रहेगा. सो इसमें जो लिखा हुआ है इट इज टाइम टू लिव द ड्रीम. हम लोग सपना देखते हैं जिस दिन मैंने जो बोला जिस दिन हम लोग सपना जो देखते हैं वो खुली आंखों से देखेंगे बिना सोए बिना रेस्ट लिए हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस डुप्लीकेशन ये सब जब हम लोग करते रहेंगे ना उस दिन हम लोग अपने सपना को जिएंगे. जैसे कि मैंने अभी तक मेरा बहुत सारा जो जो सपना था बहुत सारा फुलफिल हुआ है. जैसे कि मेरा एक सपना था मैं फ्लाइट्स पे चढ़ूंगी. फिर मेरा और एक सपना था मैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे फेस करूंगी उसमें ट्रैवल करूंगी. तो वो सब सपना जैसे कि मैंने बोला केलिंग के थ्रू ही मेरा फुलफिल हुआ. और उससे भी बड़ा बात जो वो सब सपना मैंने फील किया
वो सब सपने में मैंने जिया, तो आज मेरा और सपना बढ़ गया। जे नहीं, मैं सिर्फ फ्लाइट क्यों, मैं फर्स्ट क्लास फ्लाइट में ट्रैवल करूंगी, ऐसे मतलब मेरा सपना बढ़ने लगा। तो जब आप सपने को जीना शुरू करेंगे, फिर देखिएगा आपका सपना बढ़ने भी लगेगा। तो हम लोग को सिर्फ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग सिर्फ सपना देखें बस हो गया, नहीं, सपने को जीने के लिए भी हम लोग को वो हार्डवर्क करना चाहिए, और जब हम लोग सपने को जिए तब हम लोग को और बड़ा सपना देखना चाहिए। और जिस दिन आप सपने को जिएंगे या फिर और बड़ा सपना देखेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना खुद का बॉस हो जाएंगे आप, एक फ्रीडम लेगा लाइफ में, अपने फैमिली को, अपने क्लोज वंस को आप टाइम देने के लिए टाइम आपका बचेगा, और एक लेगेसी मेंटेन होगा। जैसे कि एक स्मॉल सा एग्जांपल मैं शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आज मेरा जो शेयरिंग है, मेरा बहुत कुछ, मेरा केलिंग के साथ बहुत जर्नी है। ऐसा नहीं कि हम 2 साल आगे जब हम मैंने ज्वाइन किया था तभी से मेरा जर्नी शुरू है, मेरा केलिंग का जर्नी बाय बर्थ है, मैं यही सोचती हूँ। सो उसमें ही मैं शेयर करूंगी कि जब मेरा जो जर्नी में मैंने देखा, मेरा फादर मुझे टाइम देता था बहुत बहुत, जितना मैंने आसपास जब अपने दोस्तों को भी देखती थी, जो उन लोग का फादर मदर उतना टाइम नहीं दे सकते थे जितना मेरा फादर बीइंग अ डूइंग अ बिजनेस, बिजनेस करते हुए मुझे भी बहुत टाइम दिया। तो ये सिर्फ मुझे लगता है जब हम भी जब बड़े होंगे, मेरा भी जब फैमिली रहेगा, तब मैं भी उतना टाइम दे सकूंगा जितना मेरा फादर दे रहे हैं मुझे। So, यही चीज की वजह से मेरा फादर सिर्फ केलिंग को चूज नहीं किया, मैंने भी केलिंग को चूज किया। देयर इज अ बिग जर्नी, बिग जर्नी। 2 साल का जर्नी के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, मेरा बहुत बड़ा जर्नी है। सो वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे आप लोग को भी ये प्रूवन हो जो हम लोग सिर्फ सुनते नहीं है, जो केलिंग में एक इंसान ज्वाइन किया उसने अपना लाइफ स्टाइल बदल लिया। केलिंग में ज्वाइन करना मतलब सिर्फ आप अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदल रहे हैं, आपके साथ आपका फैमिली का भी लाइफस्टाइल बदल जा रहा है, जो कि मैंने फेस किया, मैंने वो चीज से गुजरा है। ओके, सो मैं जो बोल रहा था, जो हम लोग बॉस है अपना सपने का, हम लोग को खुद इंडिपेंडेंटली उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। बी योर ओन बॉस। मुझे जो लगता है केलिंग में वो चीज बहुत अच्छी तरह से पॉसिबल है, बिकॉज आप जो चाहते हैं, आप जैसे चाहते हैं, आप खुद वैसे कर सकते हैं। आपको कोई बॉस नहीं करेगा, मतलब आप किसी के अंडर कुछ काम नहीं करेंगे। आप अपने आप लाइन आपका जो है वो भी आपको सपोर्ट क्यों करेगा, जिससे आपका बिल्डअप हो, वो आपको जैसे कि ऑर्डर नहीं देगा। ऑर्डर और सपोर्ट करने में बहुत डिफरेंस है। आपका अपलाइन आपको ऑर्डर नहीं दे सकता है ये बिजनेस में रह के, आपका अपलाइन आपको सपोर्ट कर सकता है। एंड आई थिंक जब आपको अपना अपलाइन का सपोर्ट मिल जाता है ना, तो बिजनेस खड़ा करना इज वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच, बिकॉज आपका अपलाइन आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपलाइन जैसे कि मेरा फादर है, सो मेरा बिजनेस में कुछ नॉलेज लेना हो, भी हो, मुझे सबसे अच्छा एडवाइस मिल रहा है, बिकॉज माय फादर इज फॉर अ लॉन्ग टाइम इन केलिंग। सो वही मैं बोलना चाहती हूँ, जो आपका जो अपलाइन है, आप उसको एक फ्रेंडशिप मानिए। जे मेरा अपलाइन मेरा फ्रेंड है, मुझे गाइड करेगा, मुझे एक अच्छा इनकम के थ्रू लेके जाएगा, ऐसा मत सोचिए ऑर्डर। तो वही हम लोग बोला, हम लोग खुद अपना बॉस है, हम लोग को कोई किसी को भी गाइड करेगा, ऑर्डर नहीं कोई कर सकता, मैं अपने आप को ही ऑर्डर कर सकता हूँ। सो आई थिंक बाय दैट बिजनेस खड़ा करना इज अ वेरी, मतलब इंडिपेंडेंस हम लोग सब लोग चाहते हैं, जो हम लोग खुद का बॉस हो, तो वो चीज स्केलिंग प्लेटफॉर्म हम लोग को दे रहा है। ओके, सो जो कि मैंने आगे शुरू करने के आगे आप लोग से बोला, जो मुझे लगता है विमेन के लिए ये एक एडवांस है, ऐसा मैंने इसीलिए बोला, आप लगता है ये फोटो से समझ सकेंगे। हम लोग का वर्क प्लेस, मतलब जैसे कि हम लोग सोचे कुछ काम में बिलोंग है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, ओके, उसके बाहर कुछ हम लोग कुछ काम कर रहे, तो उसमें देखिएगा हम लोग किसी को कॉम्पिटिशन के लेवल पे सोचते,
कि उससे मुझे बेटर करना पड़ेगा, उससे मुझे बेटर करना पड़ेगा। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग आपको किसी को कंपटीशन में समझना है, आपको सबको मिलके एक फैमिली, एक टीम वर्क, एक डिसिप्लिनली एक अच्छे टीम को बिल्डअप करना। एंड जो कि मैंने आगे कहा कि एक विमेन के लिए वो चीज बहुत इजी होता है, बिकॉज उन लोग को पर्सनल लाइफ में भी वो लोग एक फैमिली को एक साथ रखते हैं, तो उन लोग को वो डील करना, उसके साथ आगे बढ़ना, किसी किसी को, कोई लोग आपका फैमिली में जैसे गुस्सा हो जाता है तो आप लोग ठीक मना लेते हैं, उसे उसी तरह टीम में भी जब कोई गुस्सा हो जाएगा तो आप मना लेंगे। ये सब चीज एक विमेन के अंदर बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं विमेन कैन डू एनीथिंग विच अ मैन कैन ऑल्सो कैन डू। सो हम लोग के लिए कुछ बैरियर नहीं है। हम लोग जैसे सोचते हैं ना, हम लोग एक काम ढूंढने जाएंगे तो वहां पे मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगी, ये सब माइंड में आता है। लेकिन नेटवर्क का मार्केटिंग करने पे आपको ये सब कुछ माइंड में नहीं आएगा, स्पेशली इन केलिंग हम गारंटी दे रहे, बिकॉज मुझे बाहर का कुछ नहीं पता, बट केलिंग प्लेटफॉर्म मैंने जिया है, मुझे पता है केलिंग कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और क्या दे सकते हैं, इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूँ। जब केलिंग में खड़ा होकर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे कुछ सीखना पड़ेगा जो कि मेरे सिलेबस में नहीं है लाइफ का, या फिर मेरे अंदर ये चीज नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हर एक विमेन के अंदर ये चीज है, एक फैमिली को एक साथ रखने का पोटेंशियल हर एक विमेन के अंदर है। सो वही चीज अगर आप यहाँ पे दिखा देंगे तो कुछ नहीं, आप एक इंडिपेंडेंट विमेन, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस विमेन, एक खुद के बलबूते पे कुछ कर देने वाली एक विमेन होके खड़ा हो जाएंगे, और कुछ नहीं। ओके, सो केलिंग प्लेटफॉर्म में हम लोगों को बहुत सारा एडवांटेज मिलता है, जो कि मैंने बातों में बोला है, जो टाइम हम लोग का बचता है, फिर हम लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, बहुत कुछ। तो उनमें से यहाँ पे जो जो पॉइंट्स है कि हम लोग एक खुद का बिजनेस कर रहे, ऑब्वियसली मैंने जो बोला कि आप अपने बलबूते पे एक बिजनेस कर रहे हैं, आपको कोई ऑर्डर नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, आप खुद अपने आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो वो चीज एक केलिंग प्लेटफॉर्म ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो फ्यूचर लाइज इन योर हैंड्स, एकदम सही बात, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं वो आपके हाथों पे है। आज मैं बीइंग अ यूथ चाइल्ड, मतलब आजकल के जमाने की लड़कियों के, मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे कोई ऑर्डर नहीं करता है, मुझे कोई कुछ बोलता नहीं है, मैं अपने तरह से लाइफस्टाइल जी रही हूँ। आई हैव ज्वाइंड एट केलिंग इन 2018, तो तब जब मैंने कॉलेज में पैर रखा, मैंने ऐसे भी सब लड़की लोगों को देखे जो लोग अपने पापा के पास जाके बोलते थे मुझे कुछ पैसा दीजिए, मैं यहीं पे घूमने जाऊंगा, वहां पे घूमने जाऊंगा। मुझे वो चीज नहीं करना पड़ा, बिकॉज मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे मैं ओके एज अ छोटा इनकम हिसाब से मैंने स्टार्ट किया। ये जर्नी मैं 2 years back का बोल रही हूँ, तो आप भी आप सोच सकते हैं मेरा एक ऑलरेडी एक मेरा स्टेबिलिटी है केलिंग, बिकॉज उस टाइम मैं ग्रेजुएटेड नहीं था, मैं सिर्फ क्लास 12 क्रॉस किए थे, तभी मैंने केलिंग चूज कर लिया था। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे साइड इनकम मिलेगा, मुझे पता था, मेरा दोस्त लोग सोचा था कि हम साइड इनकम के वजह से लगता है मैं आई, बट जब मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स लोग जब केलिंग में ज्वाइन हुआ, उन लोग का भी पता है कि मैं क्यों केलिंग पे आई, मेरा साइड इनकम सिर्फ एक एम नहीं था, मेरा दोस्त लोग था जो लोग पैसा मांगते थे, मुझे वो नहीं मांगना पड़ा, मैं खुद के इनकम से मैं खुद इंजॉय कर सका, मुझे कहीं निकलना पड़ा तो मैं खुद के इनकम से जाती थी वहां पे, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। तो नॉट ओनली ऐसा, मैं ये बोलूंगी जो आजकल के विमेन को भी ज्वाइन करना चाहिए, आजकल के यूथ लाइक जो लोग 18 years के बाद ये सोचते थे क्या क्या पढ़ाई करके मैं क्या क्या डिग्री लेके कहीं पे नौकरी कर लूंगा, आई थिंक उससे बेटर आप वो, अगर आपका देखिए अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है उसका वो ड्रीम है, आई एम नॉट डाउन फॉर्मिंग इट, मतलब आप गलत मत सोचिए, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि और एक ऑप्शन भी होता है, बिकॉज दिस ऑप्शन इज लाइक ओपन ऑप्शन,
आप कुछ भी कर सकते हो, आपका एक पूरा फ्रीडम मिल रहा है, पर्सनल अचीवमेंट, आप कुछ भी एफर्ट्स जो केलिंग में डाल रहे हो उससे आपका पर्सनल, आपको एक अचीवमेंट मिल रहा है, आपका रैंक बड़ा, मींस आप जो एफर्ट डाल रहे हो उसके वजह से आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। कोई भी इसमें मतलब जैसे कि हम लोग काम में जब करते हैं काम, तो हम लोग जितना भी एफर्ट्स डाल ले बॉस का ही नाम होता है, राइट? सो इसमें वो चीज नहीं आ रहा, आप जितना एफर्ट्स डालोगे आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, आपका बॉस आपको आके कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेगा, ये चीज इसमें हो रहा है। बॉस मींस आई एम मीन टू से एन अपलाइन, बिकॉज यहाँ पे बॉस तो हम खुद का ही है। सो देन इट्स कमिंग टू अनलिमिटेड इनकम, जैसे कि मैंने बोला था हम लोग का इनकम हम लोग के खुद के हाथों पे है, हम लोग कितना इनकम कर सकते हो, अनलिमिटेड, जितना आप सोचो उतना इनकम कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपको एक माइंडसेट होना चाहिए, एक माइंडसेट, एक ऑनेस्टी, एक रिलाय, जो कि मेरा केलिंग के अंदर है। आई होप आप लोग सब में भी वो चीज आना चाहिए, बिकॉज आप जब तक रिलाय बिलीव नहीं करेंगे, आप जब तक एक कंपनी को रिलाय या फिर बिलीव नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे, आपको वो अनलिमिटेड इनकम अचीव करने में भी प्रॉब्लम होगा। यू नीड टू लव केलिंग, इफ यू आर इन केलिंग यू नीड टू लव केलिंग, अ बैलेंस लाइफ विद योर फैमिली। जैसे कि मैंने बोला आप लोग के पास फ्री टाइम रहता है, आप लोग, हम आगे भी जब दिखाएंगे जब हम लोग का केलिंग अब डिजिटली कौन सा प्लेटफॉर्म पे आ गया, आप लोग बोलेंगे तो बहुत अच्छा बात है, मेरा तो घर में बैठ के सब काम हो जा रहा है। तो इट्स अ बहुत बड़ा टाइम है आपके पास, तो आप घर में बैठ के जब सब काम कर रहे हो तो आप फैमिली को भी बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हो। आपको ऐसे नहीं बोलना पड़ता है जब मुझे छुट्टी लेना पड़ेगा या फिर समथिंग, आप ऑलरेडी एक हॉलीडे लाइफस्टाइल प्ले कर रहे हो जब आप डिजिटली केलिंग कर रहे हो। अभी हम लोग का डिजिटली केलिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आ गया है, डिजिटली केलिंग आई एम सेइंग, हम खुद ग्रेजुएशन कंप्लीट किए फर्स्ट क्लास लेके, मेरा वो मार्क्स पॉसिबल हुआ है बिकॉज मैंने केलिंग पे, मैंने ऐसे सोचा था जब मैं केलिंग पे एफर्ट्स दूंगा तो मेरा मार्क्स डिटोरिएट करेगा, मेरा मार्क्स उतना नहीं आ सकेगा, बिकॉज मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, मेरा टाइम उतना नहीं दे पाऊंगा। बट ऑल थैंक्स टू केलिंग, ऑल थैंक्स टू आवर डायरेक्टर, जो इतना शॉर्ट टाइम में इतना डिजिटली सब कुछ कर दिया कि अभी मैं जुलाई में एग्जाम देके मेरा सितंबर में रिजल्ट निकला, आई हैव ग्रेजुएटेड फर्स्ट क्लास। सो मेरा एक एम भी मेरा फुलफिल हुआ, मेरा काम भी अच्छी तरह से चला, मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुआ। ओके, सो देन अपना सपने को सबसे आगे अचीव करना, आई थिंक ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दे सकूंगा, जो कि मैं शुरू में ही बोला गया था जब मैं नेशनली इंटरनेशनली खेला था कराटे में ब्लैक बेल्ट में, तो वो सब मेरा अचीवमेंट फुलफिल नहीं होता अगर मेरा फादर केलिंग से नहीं जुड़ा रहता तो। आई एम अश्योरिंग दैट, बिकॉज अगर मेरा फादर केलिंग को छोड़ के कुछ भी जॉब या फिर कुछ करता तो इतना मेरा ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, बिकॉज आई डोंट मींस आई डोंट कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, जहां पे ये बोला जाता था कि जितना हम लोग का लिमिट ऑफ इनकम होगा उतना ही हम लोग खर्चा करते। आगे में भी आप लोग देख सकेंगे जो हम लोग का ऐसे थिंकिंग रहता है कि जितना हम लोग का इनकम आएगा उतना ही हम लोग खर्चा कर सकते, उससे ज्यादा हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैंने सोचा, मैंने चाइल्डहुड से अपना ड्रीम फुलफिल किया, जो आई थिंक अर्लियर ही हो गया मेरा बहुत सारा ड्रीम फुलफिल, बट यस अब भी मेरा फादर जब मेरा फुलफिल किया ड्रीम, तो ऑब्वियसली मैं भी चाहूंगा मेरा फादर जब एज में जाए तो एक लग्जरी लाइफ लीड करे, तो आई थिंक वो भी ड्रीम फुलफिल होगा थ्रू के लिए, बिकॉज आई एम गिविंग माई एफर्ट्स। सो स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिग रिटर्न्स, जो कि मैंने बोला आप टाइम कम दे रहे हो, आप घर में बैठ के सब काम कर रहे हो, लेकिन आप रिटर्न बहुत बड़ा बड़ा मिल रहा है। आप जब कोई काम से आपको जब मंथ का जब आपका कमीशन आएगा ना, यू विल बी लाइक मैंने तो इतना एफर्ट्स भी नहीं किया था, मैं तो फैमिली को टाइम दिया था, इतना इनकम कैसे आ गया? बिकॉज वो हम लोग के वीमेन के अंदर होता है जो हम लोग को फैमिली बिल्डअप करना आता है। हम लोग जैसे आप पर्सनली फैमिली बिल्डअप कर रहे हो, आप बाई कॉल बाई डिजिटल भी आप
फैमिली बिल्डअप कर रहे हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ का फैमिली बिल्डअप कर रहे हो. सो कब ये फैमिली बिल्डअप, कब ये लव, रेस्पेक्ट, ये सब बॉन्डिंग के रहते रहते आपका कब इनकम हो जाएगा ना, आप भी थोड़ा सोच में पड़ जाओगे जी. ओके, सो आई एम नाउ अ इंडिपेंडेंट वुमन. आई होप मेरा एज में एक मैं बोल सकती हूँ आई एम आई इंडिपेंडेंट वुमन. आई थिंक मेरा एज में कोई भी अगर डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बाहर खड़ा है और वो ये वर्ड नहीं यूज कर सकता जे आई एम आई इंडिपेंडेंट वुमन, बिकॉज अभी भी उन लोग को होगा तो थोड़ा भी डिपेंडेंट होना पड़ रहा है. मैं खुद के आंखों से देख रहा हूँ जो उन लोग को जॉब खोजना पड़ रहा है. एंड देर आर ऑल्सो फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो कि केलिंग में है और मैं जैसे अपने आप को प्रूफ किया वो भी अपने आप को प्रूफ कर रहे. ओके, सो जैसे कि आगे भी मैंने बोला जो मैनेजिंग योर ओन टाइम, जैसे ये वाला बात, जैसे कि मैंने बोला जो हम लोग जैसे नॉर्मल पीपल्स लोग थिंकिंग ये रखते हैं जे हम लोग का जो इनकम आएगा उससे ही हम लोग का घर चलना है एंड देन ऑल डन, उससे ज्यादा हम लोग शौक नहीं रख सकते. जैसे भी यहाँ पे आप एक देख सकते हैं एक चार्ट भी किया हुआ है जो मंथली इनकम एक्सपेंसेस, तो आप देख ही सकते हैं हम लोग का बैलेंस कितना बचता है वन मंथ का. अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर अगर इनकम करेंगे तो वन मंथ का बैलेंस पड़ेगा 1000. तो उससे आई डोंट थिंक सेविंग्स में ही चला जाता है, वो आप कुछ शौक नहीं पूरा कर सकते. लेकिन इन केलिंग आपको जब खुद अपने बलबूते पे आप जो इनकम करेंगे, आप बीइंग अ वुमन आपको पता है एक फैमिली कैसे बिल्डअप करना है. आई डोंट थिंक जो यहाँ पे दिखा रहा है हस्बैंड वाइफ मिलके जो इनकम करके दिखा रहा है, आई थिंक ये आप खुद अकेला ही इनकम कर सकते हैं. और सेविंग क्या आप होगा तो अपना सेविंग को छोड़ के आप पर्सनल अपना जो भी शौक है, जैसे कि हम लोग वुमेन्स लोग बहुत शॉपिंग करना पसंद करते हैं. अभी पूजा का टाइम भी आ रहा है, हम लोग शॉपिंग करना पसंद है, आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं. इट्स अ लाइक आई एम इंडिपेंडेंट, मेरा पास राइट है हम कैसे अपने पैसे को खर्चा करें. बट ये जो चार्ट दिखा रहा है इसमें अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर आप लोग इनकम करेंगे एंड सेविंग 1000 करेंगे, आपका वो थिंकिंग आएगा ही नहीं कि मैं अपने शौक अपने हिसाब से पूरा करूंगी, वो थिंकिंग आएगा ही नहीं. नेक्स्ट. ओके, सो जैसे कि ये एक सर्वे बोल सकते हैं आप, जो ये सर्वे हम लोग केलिंग में बहुत मतलब मानते हैं ये सर्वे को, इट्स एन नॉर्मल सर्वे, इट्स एन इकोनॉमिक सर्वे. ओके, सो 1940 को हम लोग 10 रुपीज पर मंथ मिलता था तो वी बी लाइक हम लोग हैप्पी है, हम लोग का संसार मतलब घर चल जाएगा सब ओके. देन 1960 को जब वो 100 हुआ तो लाइक हम लोग सोचते अगर महीने में 100 रुपए में कमा लिया तो बहुत बड़ा बात है. वही चीज जब 1980 को हम लोग 1000 हुआ, इट्स लाइक हाँ ये तो सर्वे है ना, आप लोग देख ही सकते हैं. 2000 में 10,000, अगर 2000 में जब हम लोग का ईयर 2000 चल रहा था मतलब माई बर्थ ईयर, ओके, उस टाइम एक इंसान अगर 10,000 इनकम करे तो उसका फैमिली चल जाता था. लेकिन 2020 में हम लोग 1 लाख इनकम के बारे में सोचते. अब ये बात माइंड में आएगा जो 1 लाख इनकम ओनली इट कैन बी पॉसिबल इफ हम लोग एक बहुत बड़ा जगह पे जाते हैं, वहां पे एक सर्विस करते या फिर जॉब करते तो ही वो पॉसिबल. हम लोग का सोसाइटी ऐसे ही सोचते, लेकिन नहीं. नेटवर्क मार्केटिंग से आप 6 मंथ, मेरा पास प्लान मैंने देखा है, मेरा अपलाइन के साथ बात करके मैंने वो प्लान देखा है जे विद इन 6 मंथ कोई 1 लाख अचीव कर सकते हैं. एंड विद इन, ठीक है आपको अगर 6 मंथ में बिलीव ना हो हम 1 ईयर बोल दे रहे, 1 ईयर में आई स्वे मतलब मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका, अगर आप अच्छी तरह से ट्रेनिंग मीटिंग सब अटेंड करें और अपना 100% एफर्ट्स दे बिल्डअप करें तो आई थिंक 1 ईयर में आपका स्टेबल इनकम खड़ा हो जाएगा 1 लाख. मतलब अगर आप एफर्ट्स भी ना दे तो आपको 1 लाख घर पे आता रहेगा.
ऐसा हो जाएगा अगर आपको 6 मंथ में बिलीव नहीं हो रहा है, 6 मंथ तो देखते देखते चला जाता है, मैं नहीं बिलीव कर सकती हूँ, अगर आप नहीं बिलीव कर सकते तो ऐसा प्लान भी होता है. इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग. हम लोग का अंदर वो एफर्ट्स है कि हम लोग एक फैमिली खड़ा कर सकते हैं, एक फैमिली बिल्डअप कर सकते, एक फैमिली मेंटेन कर सकते. सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मीटिंग. एंड वो ट्रेनिंग मीटिंग से हम लोग को जो मिलता है उसको हम लोग डुप्लीकेट करें. डुप्लीकेटिंग इज द की ऑफ सक्सेस इन केलिंग. ओके, तो ये जो बातें हैं, जैसे कि हम लोग का केलिंग हम लोग को बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, पीपल, प्रोडक्ट, प्लान, प्लेस, प्रमोशन. जैसे कि ये 5 पॉइंट्स हम एक एक करके बोल रहे हैं. जैसे कि पीपल, ओके, हम लोग अगर ये सोच ले हम लोग का 1 मीटर डिस्टेंस में जो भी हम लोग के पास खड़ा है वही हम लोग का प्रोस्पेक्ट है. आई थिंक केलिंग करने में आपको एक, आप बोलेंगे जो केलिंग की मुझे प्रोस्पेक्ट मिला दिया, केलिंग की मुझे प्रोवाइड कर दिया प्रोस्पेक्ट. जब आपका ये थिंकिंग हो जाएगा मेरा 1 मीटर दूर पे जो भी खड़ा है वही मेरा प्रोस्पेक्ट है, ये थिंकिंग रखोगे तो आप बोलेंगे जी केलिंग में घुसते ही मुझे प्रोस्पेक्ट्स मिला, केलिंग में घुसते ही मुझे ये पता चला कि हम लोग पीपल के थ्रू एक और एक कंपनी में काम कैसे कर सकते, थ्रू पीपल्स. ओके, प्रोडक्ट, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं जो केलिंग्स का प्रोडक्ट इज अ ब्रिलियंट, मुझे तो ब्रिलियंट लगता है क्योंकि मैं छोटा इससे मुझे केलिंग का ही, मेरा आसपास का जो भी चीजें मैंने देखा सब केलिंग कंपनी का ही रहता है. तो द रीजन आई लव केलिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप हुआ वही मीन्स केलिंग का ही सब प्रोडक्ट्स खा के बड़ा हुआ, जो भी हो मेरा कराटे में भी जो जितना स्ट्रेंथ आया मुझे लगता है केलिंग का प्रोडक्ट से ही आया. ओके, जैसे कि मैंने ऐसा नहीं जब लोग मैंने सिर्फ लड़की लोग से फाइट किया, मैंने लड़का लोग के साथ भी फाइट किया, सो उतना स्ट्रेंथ मुझे आया है. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ रीजन आई लव केलिंग. ओके, थ्रू प्रोडक्ट्स ओनली. एंड अगर आप बात करें जो मैंने केलिंग ज्वाइन किया बिकॉज केलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आई थिंक सब लोग को पता है इट्स एन IDSA अप्रूव्ड, इट्स अ मेंबर ऑफ IDSA मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन. इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, वहां का मेंबर होके केलिंग एक प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी खड़ा है, ऑलरेडी इट्स एन एस्टेब्लिश कंपनी. सिर्फ आपको वो चीज लेके खुद के बलबूते पे एक बिजनेस खड़ा करना है, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर होना है. और ये अगर आपका ड्रीम रहे जो आगे जो हम लोग स्लाइड में देखे जो वो मूवमेंट वुमेन्स जो लोग है उसके साथ मैं खड़ा रहूं, अगर आपका ये ड्रीम रहेगा जैसा कि मेरा भी है, आई स्वेयर टू गॉड मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं बड़ा इनकम करूंगा या फिर रिच होना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, मैंने कभी ये सब ड्रीम नहीं किया. मैंने सिर्फ एक ड्रीम किया था जो मैंने छोटा एज में भी मेरा फादर को बोला है और अभी भी मेरा मुंह से वही निकलता है. जब मेरे फादर मलेशिया घूमने गए थे वहां पे बहुत सारा कार्स देखे थे, बहुत सारा लग्जरियस हाउस देखा था, जो कि हम लोग का केलिंग में केलिंग का ही CA RCA लोगों का घर है. ओके, केलिंग इंटरनेशनल मलेशिया का ही वो लोग है जो लोग ये सब घर गाड़ी खरीदे. मैं फादर को बोला था जी मैं भी एक लाइफस्टाइल ऐसा लीड करना चाहती हूँ केलिंग में रहकर, इंडिया में रहकर, इंडिया से बाहर नहीं, यही लाइफस्टाइल मैं इंडिया में रह के एज अ वुमेन ऐसा लाइफस्टाइल लीड करना चाहती हूँ. आई डोंट थिंक अगर मैं ऐसा एक ड्रीम लेके आगे जाती हूँ, आई डोंट थिंक अभी तक इतना बड़ा सपना मेरे तरह कोई देखा है, बट आई कैन एब्सोल्युटली से दैट अगर मेरे तरह ऐसा सपना अगर केलिंग के हर मेंबर के अंदर होगा तो एक दिन केलिंग कंपनी का नाम हर एक घर पे फेमस होगा, हर एक घर पे. आई थिंक एवरीवन नोज दैट इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, सो आई गेस उतना पॉपुलेशन में अगर सबके घर पे इंडिया का नाम मतलब केलिंग का नाम अगर रोशन होना शुरू हो जाएगा तो आई गेस इट विल बी फैब्यूलस. नॉट ओनली मैं
एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर खड़ा रहूंगा, मेरे साथ मेरा बहुत सारा रहेंगे एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज एवरीथिंग. सो देयर इज अ प्लान, जैसे कि मैंने बोला प्लान ऐसा भी है जिससे आप 1 ईयर में 1 लाख स्टेबल इनकम कर सकते हो. सो देयर इज मेनी प्लान्स. आप लाइन के साथ बैठिए. हम लोग का केलिंग का जो एक प्रोसीड्योर है, मार्केटिंग प्लान, जो कि कभी भी चेंज नहीं हुआ, एकदम प्रोसीड्योरली एवरी साल सेम ही रहा. एंड वो प्रोसीड्योर से जो मेरे फादर इनकम किया था, आज मैं भी वही प्रोसीड्योर मेंटेन करके इनकम मुझे भी मिलेगा. आई थिंक इट्स अ लाइक स्टेबल मार्केटिंग प्लान. आई हैव सीन बहुत सारा होता है, जैसे मैं इस साल में एक मार्केटिंग प्लान हुआ, फिर दूसरे साल में वो चेंज होने लगा, ऐसा होता है. बट इन केलिंग आई हैव सीन अ स्टेबल मार्केटिंग प्लान. सो वो प्लान को आप लोग स्टडी कीजिए, उसके अंदर से भी एक अपना पर्सनल प्लान निकालिए, टारगेट कीजिए, मंथली टारगेट, मंथली रिपोर्टिंग. केलिंग में बिजनेस करना विल बी द मोस्ट इजीएस्ट थिंग. दो चीजें करना पड़ता है, डुप्लीकेटिंग एंड रिपोर्टिंग योर अपलाइन, एवरीथिंग. लाइक बिजनेस में जो भी आप कर रहे हो, यू शुड रिपोर्ट योर अपलाइन, चाहे वो मंथली कीजिए, वीकली कीजिए, लेकिन करना चाहिए. जिस दिन आप ये दोनों चीज एकदम 200% एफर्ट्स देके करने लगेंगे, आई थिंक नो वन कैन स्टॉप यू. एंड देन प्रमोशंस, जैसे कि हम लोग को ही पता है, हम लोग अगर कुछ अचीव करते हैं, चाहे वो मंथली हो टारगेट्स या फिर बाय रैंक हो, हम लोग को रिकॉग्निशन मिलता है. ओके, सो केलिंग वर्ल्ड वाइड 54 कंट्रीज में फेमस है. ओके, सो ये जो केलिंग हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे कि डॉक्टर डैरेन गो, वो है ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हम लोग के कंपनी का. एंड आई थिंक इंडिया में जो भी फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल नाउ एंड इन ऑल्सो फ्यूचर, डॉक्टर डैरेन गो सर हम लोग को बहुत हेल्प किए, हमेशा हेल्पफुल. ही इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिससे होगा तो कम्युनिकेट करना भी हम लोग को टफ लगे, लेकिन आई स्वेयर टू गॉड, मैं जब फर्स्ट चेन्नई में गया था, सबसे आगे डॉक्टर डैरेन गो ही मेरे से बात की. आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल चाइल्ड स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, बट स्टिल वो मेरे से बात की. सो ही इज लाइक वेरी मच डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी मच हेल्पफुल, काइंड, लव हार्टेड पर्सन. सो आई थिंक ही इज अ वेरी गुड पर्सन. सो ऐसा सोचने का भी जरूरत नहीं पड़ता, जो वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, स्टिल बीइंग अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो लोग अच्छी तरह से हम लोग को हेल्प करते हैं. आई डोंट थिंक केलिंग प्लेटफॉर्म को छोड़ के कोई और प्लेटफॉर्म में ये चीज पॉसिबल है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप लोग को हेल्प कर रहे, आप लोग को साथ दे रहे, आप लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे. ओके, एंड देन वन थिंग आई नीड टू से, जो हम लोग केलिंग में अगर ये पर्सन नहीं होते तो इट्स नथ मीन्स वी कांट बिल्ड अ बिजनेस राइट नाउ. इट्स ऑल क्रेडिट्स, ऑल एवरीथिंग गोज टू आवर जगह सर, द इंडियन डायरेक्टर. सो आई रियली थैंक हिम, बिकॉज आज के मीटिंग में भी वही मुझे उन्होंने ही मुझे बोला था आज की मीटिंग करने को. आज ये प्लेटफॉर्म आज मुझे जो मिला है, जो से आप लोग के साथ मैं शेयरिंग कर रही हूँ, आई थिंक उनके ही वजह से. सो वेरी आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम, एंड आई होप लाइक एवरी वन विल बी वेरी मच थैंकफुल टू हिम. ओके, बिकॉज ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब एंड ही इज ऑल्सो डूइंग राइट नाउ. इवन हम लोग के साथ अभी भी हमको मुझे तो ये लगता है कि फ्यूचर में भी इतना बड़ा बड़ा प्लान्स लेके आएंगे जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते. फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स मैंने ये देखा है कि मैं जो सोच भी नहीं सकता, सर वो चीज कर देते हैं. आई थिंक इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू अस. वी शुड टेक द इनिशिएटिव टू डू द बिजनेस. ओके, सो जैसे कि हम लोग के केलिंग में हम लोग देखा है, हम लोग को बहुत सारे अवार्ड्स मिला है. जैसे कि मैंने बोला इट्स IDS मेंबर कंपनी, सो हम लोग बहुत सारा इंटरनेशनल अवार्ड्स मिला है. आई थिंक आप लोग जब मैगजीन्स देखोगे वहां पे नीचे में भी लिखा हुआ है जो हम लोग को क्या क्या अवार्ड्स मिला है, क्या क्या लेके.
अभी पर्टिकुलरली मैं बोल नहीं सकता बिकॉज बहुत सारा अवार्ड्स है. अगर आप लोग कभी मुंबई ऑफिस, चेन्नई ऑफिस या फिर मलेशियन ऑफिस में जब आप लोग जाएंगे, आप लोग देखेंगे वहां पे इतना अवार्ड्स है, इतना अवार्ड्स है जो आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे जो केलिंग कंपनी ने इतना रिकॉग्निशन मिला है उन लोगों को. तो आई थिंक इट्स अ वेरी मच स्टेबल, वेरी मच एक्टिव कंपनी एंड यू शुड ज्वाइन इट इफ यू हैव नॉट येट. एंड अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं देन इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. आप लोग को ये अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर उठाना चाहिए. ओके, सो केलिंग का जो है हेल्थ अवेयरनेस, हम लोग का केलिंग में एक नॉर्मल मतलब इट्स अ टोटली हेल्थ रिलेटेड सब हम लोग को प्रोडक्ट्स मिलता है, जो कि मैंने कहा मेरा छोटा ऐसा अभी तक हेल्थ रिलेटेड ही सब कुछ मुझे मिला है. सो केलिंग कंपनीज का जो प्रोडक्ट्स है इट्स टोटली बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट विच इज एसिडिक एंड अल्कलाइन. लाइक एसिडिक अल्कलाइन का बैलेंस करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है. ओके, ह्यूमन बीइंग का एक पीएच बैलेंस होता है. ओके, इट्स अ बैलेंस ऑफ 7 पॉइंट्स, द नंबर 7. तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं एसिडिक है, इस साइड अल्कलाइन है, तो ये इसका जो बैलेंस होता है जो कि 0.7 होता है, सो वो वाला अचीव करने के लिए हम लोग को एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ता है. तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल आजकल बहुत कारण के वजह से फुलफिल नहीं होता है, जो कि है हम लोग अच्छा डाइट में नहीं रहते, स्ट्रेस रहता है, पॉल्यूशन, फैमिली प्रॉब्लम्स, मनी, पैरासाइट्स, जैसे कि हम लोग का बहुत सारा का ही होता है, जैसे कि ऑर्गन्स में कुछ जर्म्स की वजह से हम लोग का कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है. बहुत हम लोग ऐसे इंसान को भी फेस कर चुके हैं जो लोग को कुछ डिजीजेस है. फिर हम लोग ड्रग्स, ये सब रहता ही है, एजिंग, ये सब के वजह से नहीं जी सकते. बट केलिंग हैज प्रोवाइडेड लाइक पीएच 7 जो बैलेंस करना है आपको बॉडी में, वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम लोग का एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज क्लींजिंग, बैलेंसिंग, एक्टिवेटिंग एंड डिफेंडिंग, एबीसीडी कॉन्सेप्ट. ओके, क्लींजिंग हम लोग का बॉडी का हर एक टिश्यू सेल्स को क्लींस करता है, फ्री फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड को फ्रीली फ्लो करता है, जिससे हम लोग का बॉडी में हर जगह अच्छी तरह से ब्लड फ्लो करे. बिकॉज अगर हम लोग का ब्लड अच्छा रहे तो वी आर हेल्दी पर्सन. ओके, सो क्लींस करता है पूरा हम लोग का बॉडी सिस्टम को, पूरा क्लींस करता है सेल्स, टिश्यूज. ओके, देन ये क्लींजिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग का प्रोडक्ट आता है क्लोरोफिल. ओके, देखिए एक नॉर्मल हम बोल दे रहे बिकॉज प्रोडक्ट्स लेके हम लोग बहुत डेप्थली जा सकते हैं, बट मैं ये सेशन में नहीं जाना चाहती हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड यू ऑल टू मोटिवेट एंड स्टार्ट लर्निंग. बिकॉज अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर आप लोग को सब बोल दूँ प्रोडक्ट्स के बारे में ना, आप लोगों को वो एफर्ट्स नहीं लगेगा जिससे मैं और जानूँ या फिर मुझे और जानना है. सो आई विल से कैसे आप लोग प्रोडक्ट्स के डिटेल्स जान सकते हैं, आई विल से यू एवरीथिंग, बट इन दिस आई विल शो यू इन शॉर्ट. सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि क्लींजिंग, बैलेंसिंग, एक्टिवेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये जो आगे हम लोग जो ये जो कॉन्सेप्ट देखे, ये कॉन्सेप्ट में बेस करके हम लोग का सब प्रोडक्ट्स होता है. ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कि सिर्फ क्लींस करता है, बैलेंसिंग नहीं करता है, एक्टिवेटिंग नहीं करता है, डिफेंडिंग करता है. ये टोटल कॉन्सेप्ट के ऊपर में रख के मेरा हम लोग का हर एक प्रोडक्ट निकला है. अब उसका एक 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 प्रोडक्ट का एक एक सिग्निफिकेंस है. ओके, जैसे कि क्लोरोफिल हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ फूड. ओके, क्लोरोफिल इज द ओनली प्रोडक्ट मैंने देखा है अभी तक, आई जस्ट लव इट. मतलब मेरा चाइल्डहुड से अभी तक आई जस्ट लव दिस वन. इट्स अ ट्रूली लाइक इट्स अ फादर ऑफ माई ऑल्सो. ओके, लाइक इट्स अ फादर ऑफ ऑल फूड्स. I am a person who don't eat very मुझे green vegetables या फिर green foods ज्यादा खाना पसंद नहीं है. I am truly honest. Okay,
सो मैं आजकल की लड़की लोग की तरह हूँ, आई लव फास्ट फूड. ओके सो बट इन कोरोफिल, मुझे कोरोफिल से जो बेनिफिट्स मिला है, मेरा स्ट्रेंथ, मेरा जैसे मेंटेन रहा है, आई डोंट थिंक अगर चाइल्डहुड से मैं कोरोफिल नहीं खाती तो आई डोंट थिंक ये इम्यूनिटी सिस्टम का स्ट्रेंथ, ये अच्छा, मतलब क्या बोले, एक अच्छा इम्यून जिससे मैं फाइट कर सकती हूँ. बिकॉज आजकल के जो कोरोना के टाइम्स चल रहा है, आई थिंक इम्यूनिटी सिस्टम इज द मेन थिंग. बट ये मेन थिंग बहुत आगे से ही था, हम लोग का दिमाग में नहीं आया था, लेकिन कोरोना हैज प्रूव्ड दैट इम्यूनिटी सिस्टम इज द मेन थिंग. सो आई थिंक क्लोरोफिल डज वंडर्स इन दैट. देन इट्स कम किनोताकारा. आई विल से लाइक किनोताकारा इज द ओनली थिंग जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है. लाइक आप रात को जब किनो यूज करते हैं, आप सुबह उठेंगे, आपका इतना टॉक्सिन्स निकलेगा, यू विल बी टोटली शॉक्ड. लाइक मेरा अंदर इतना जम्स था. इट्स लाइक अ वेरी गुड थिंग ये प्रूव करने के लिए, जे यस इनसाइड आवर बॉडी देर आर मेनी जम्स विच वी कांट सी, बट देर आर. ओके एंड वी नीड टू क्लीन दैट, एंड उसका रिजल्ट एफेक्टिवली ऑन वन गो अगर कुछ दिखा सकता है, दैट इज किनोताकारा. ओके सो केलिंग आयुर्वेदा हैज मेनी प्रोडक्ट्स विच आर टोटली बेस्ड ऑन द आयुर्वेदिक प्रोसीड्योर्स. ओके सो केलिंग में हम लोग का हेल्थ प्रोडक्ट्स है, सब एक एक पार्ट पे, एक एक डिपार्टमेंट पे प्रोडक्ट्स है. ओके लेकिन जैसे हम लोग का के आयुर्वेदा, जो कि केलिंग इंडिया से एकदम मतलब दिल से जुड़ा है, बिकॉज आयुर्वेदा हैज कम फ्रॉम इंडिया ओनली. एंशिएंट आयुर्वेदा थ्योरी और वॉट एवर इट वॉज, ऑल दोज थिंग्स वी हैव लर्न एज केम फ्रॉम इंडिया. आयुर्वेदा द 5000 ईयर्स ओल्ड कॉन्सेप्ट इज स्टिल अलाइव. वी ऑल लाइक फॉलो दैट कॉन्सेप्ट. सो आई थिंक ये जो आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट है, केलिंग हैज टेकन इट टू एन अनदर लेवल. बिकॉज केलिंग में जो जो एक एक आयुर्वेदा, जैसे कि आप देख सकते हैं के आर्टिस, के एज्मो, आई थिंक यू ऑल कैन रीड इट, या फिर आप लोग मतलब अच्छे तरह से पढ़ भी सकते हैं, आप लोग जूम इन करके भी पढ़ सकते हैं. एक एक जो जो है, जैसे कि एक एक जो है आर्टिस ऑयल जो कि हम लोग के जॉइंट्स से रिलीफ देता है, एज्मो जो कि हम लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम देता है, फिर लैक्स जो हम लोग को कॉन्स्टिपेशन से ठीक करता है, एक एक पर्टिकुलर चीज से हम लोग को निकलने का रास्ता है. आई थिंक के वीटा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अ वुमेन, इट्स अ वुमेन टॉनिक. आई थिंक यहाँ पे जो लोग भी, आप लोग सबको के वीटा लेना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वंडरफुल थिंग, वंडरफुल. बिकॉज मेरा स्टार्टिंग ऑफ लाइफ, जब से मेरा मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हुआ है, आई थिंक इज द बेस्ट थिंग. बिकॉज फॉर दैट मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ऑल्सो I can run, I can do many activities, which I have seen beside me, the other girls or other women can't do that much because they are in pain, but I am absolutely fit at that menstrual time also. So I think K-Vita is a very good concept, very good thing. There are many things are there. I will not talk about particular one. There are many are there. So I... There will be meeting more. There will be more meetings in there. We will discuss more about all this. So here it is, Lax. Lax, I think it's a wonderful product for a child, because a child need to have a very good memorizing power. Okay, and I think Lax provide that thing. And Laxseed, we have learned that Ayurveda में laxseed बहुत काम करता है, आपका हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, आपका स्किन अच्छा रखता है, बहुत मल्टीपल वर्क करता है laxseed. Flaxseed जब आपका मल्टीपल काम करता है, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग. एंड इवन इन के फ्लैक्स सबसे वंडरफुली काम करता है बिकॉज ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6. इट्स अ वेरी गुड इनग्रीडियंट्स. अगर आपको नहीं पता, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, इट्स अ वेरी गुड इनग्रीडियंट्स. आई कैन से इन साइंटिफिक वर्ड्स
बिकॉज साइंस के आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट सो साइंस के बारे में मेरा उतना नॉलेज नहीं है इवन आई एम नॉट फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड बट स्टिल मैंने भी सर्च करके देखा जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 इज द वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग इनग्रीडियंट्स जो कि फ्लैक्सीड्स में है एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अ चाइल्ड ऑल्सो जैसे कि वीटा के बारे में मैं आगे भी बोला अभी भी बोल रहा हूँ एंड देन वी फेमी क्लींजर आई थिंक दिस क्लींजर ओके ये क्लींजर इज अ वंडरफुल थिंग बिकॉज हम लोग का बहुत जन है जो लोग हाइजीन मेंटेनेंस वुमेन हाइजीन के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते बिकॉज हम लोग को वो चीज बोला ही नहीं जाता या फिर हम लोग को पता ही नहीं चलता बट आई थिंक जब आप लोग वुमेन प्रोडक्ट्स के बारे में जब हम लोग का सेशन होता है वो अगर आप अटेंड करते हैं और के मतलब वी क्लींजर के बारे में अगर आप जानते तो आपको लगेगा इट्स अ वेरी गुड हाइजीनिंग मेंटेन प्रोडक्ट इट्स अ वेरी गुड हाइजीनिंग मेंटेन प्रोडक्ट इवन वीटा के बारे में मैंने जो कहा वुमेन टॉनिक इट्स अ ब्रिलियंट इवन रिन रिन हम लोग वुमेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव मेंस्ट्रुएशन एंड इन दैट प्रोसेस वी नीड दिस प्रोडक्ट्स अ लॉट जो लोग वीटा कंज्यूम करते हैं उन लोग को रिन कंज्यूम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओके देन आई एम रैपिंग दिस अप बाय द प्रोडक्ट्स डिटेल्स और मैं प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बोलूंगी मैं सिर्फ यही बोलूंगी ये मीटिंग में आई एम वेरी मच क्लियर होगा तो आप लोग को भी अच्छी तरह से समझ में आए जे थ्रू केलिंग आप इनकम भी कर सकते हो आप अपने हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हो मुझे लगता है एक वीमेन हो एक मैन हो जो भी हो एक ह्यूमन बींग को अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए दो चीजें का बहुत जरूरत होता है एक होता है हेल्थ एक होता है वेल्थ एंड केलिंग प्लेटफॉर्म इज द ओनली प्लेटफॉर्म आई हैव सीन जो हैव जो मतलब आपका दोनों चीज फुलफिल करते हैं ओके आपका हेल्थ भी अच्छा रखता है थ्रू प्रोडक्ट्स एंड आपका वेल्थ तो अच्छा रहेगा इफ यू आर डीलिंग विद प्रोडक्ट्स एंड डीलिंग विद पीपल एंड आई थिंक प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेना एक वीमेन के लिए थ्रू ऑनलाइन डिजिटल न्यूज बुकलेट्स ऑल आर प्रोवाइडेड सो उससे आप नॉलेज ले लेंगे एंड देन प्रोडक्ट नॉलेज है सब कुछ है आप बिजनेस खड़ा कर दीजिए आप लोग के पास तो फैमिली मेंटेन करना भी आता है वो एक बड़ा एडवांटेज है ओके जैसे कि केलिंग में बिल्ड जैसे कि मैंने बोला जे इसमें फ्यू पॉइंट्स है उसमें आपको सब पता चल जाता है एक है यूज द प्रोडक्ट प्रोडक्ट यूज करके आज मैं आज आई थिंक आप लोग सभी को पता है कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ मुझे रिलेटेड मेरा लाइफ को रिलेटेड है ओके सो मैं भी एक शेयरिंग कर रहा हूँ तो वही चीज जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे जब आप केलिंग में रहते रहते बहुत कुछ सीखेंगे बहुत कुछ तब आप वो सिर्फ शेयरिंग करेंगे शेयर दी स्टोरीज ओके फ्री सैंपल्स जो जो आप लोग को सैंपल्स फ्री में मिलते हैं आप लोग वो भी शेयर कीजिए वो भी आप खुद यूज करके देखिए आपको बहुत नॉलेज मिलेगा जो नॉलेज होगा तो आप बाय रीडिंग अ प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते वो आप यूज करके आपको मिल जाएगा ओके फॉलो अप जैसे कि मैंने बोला जो फॉलो अप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉलो अप इज इक्वल टू रिपोर्टिंग अगर आप खुद के टीम में फॉलो अप कंटिन्यूअस रखते हैं देन आप अपलाइन को रिपोर्टिंग टाइम टू टाइम कर सकते हैं एंड देन आपका बिजनेस भी बिल्ड करने में एक बहुत अच्छा कंटिन्यूअस फ्लो डिसिप्लिनली होगा सब कुछ ओके एंड जैसे कि आप अगर ऑब्वियसली आप अगर रिपोर्टिंग कर रहे हो मंथली एंड देन मीटिंग्स ले रहे हो तो आपको एक अपॉइंटमेंट सेट करना पड़ता है अपने अपलाइन के साथ जिससे आप एक अच्छे वन टू वन कॉन्वर्सेशन कर सके चाहे वो होम मीटिंग हो चाहे वो जूम हो चाहे वो वन टू वन मीटिंग हो बट आपको करना चाहिए हर एक टाइम रिपोर्टिंग एंड टेकिंग अ टारगेट इन नेक्स्ट मंथ इज वेरी वाइटल थिंग ज्वाइनिंग थ्रू ऑनलाइन जैसे कि हम लोग को सभी को ही पता है आगे हम लोग फॉर्म फिलअप करते थे बट अभी ऑनलाइन ही सब कुछ होता है जो कि मैंने कहा डिजिटली केलिंग हैज बिल्ड अ लॉट सो थ्रू ऑनलाइन यू कैन डू अ वेरी गुड बिजनेस सो ज्वाइनिंग अभी टोटली ऑनलाइन हो गया है तो आप अगर किसी को भी 1 मीटर डिस्टेंस में अगर आपका प्रोस्पेक्ट है अगर आप उसको कन्विंस कर लिए आप ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग भी करा सकते हो विदाउट एनी पेन और विदाउट एनी पेपर एंड देन नंबर 8 इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग आई होप एवरी वन हैज अटेंडेड द
प्रीवियस मीटिंग्स ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि मैंने कहा डुप्लीकेटिंग योर अपलाइन, रिपोर्टिंग योर अपलाइन एंड देन डूइंग द सेम विथ योर मेंबर्स, ओके, हेल्प यू टू बिल्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. यही चीज जो आप कर रहे हो, आप भी अपने डाउनलाइन को वही सिखाओगे जो आपको डुप्लीकेटिंग करना है, आपको रिपोर्टिंग करना है, आपको नेक्स्ट मंथ का टारगेट लेना है. यही चीज जब आप सिखा रहे हो अपने डाउनलाइन का, अपना आपका डाउनलाइन भी किसी और को सिखाएगा. तो ऐसे करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग बिल्ड होता है. एंड द ओनली की जिससे आप एक स्केलिंग में अपना वंडरफुल सक्सेस अचीव कर सकते हो, नॉट ओनली बीवी बट इट्स अ वंडरफुल सक्सेस, मतलब आप बीवी के थ्रू सिर्फ कमीशन नहीं पाते हो, आपको एक बड़ा सा सक्सेस मिलता है, जो कि आई थिंक मतलब हम लोग का बहुत बहुत सीनियर्स लोग है इंटरनेशनली, वो लोग अभी वो लाइफस्टाइल फेस कर रहे हैं, ओके, एंड नेशनली भी बहुत लोग है. तो वही लाइफस्टाइल अगर आप खुद फेस करना चाहते हो तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ओके. सो इसके बारे में हम सिर्फ 2 मिनट में बात बोलेंगे. जे स्केलिंग इंडिया अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आ चुका है थ्रू ऑनलाइन, आई थिंक आप पूरा बिजनेस थ्रू ऑनलाइन कर लेंगे. इसमें 3 पार्ट है, ओके. फर्स्ट पार्ट वेबसाइट, द सर्च इंजन, ओके. तो आप वेबसाइट में जाके अगर देखोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जा रहा है, आपको वहां पे, यहाँ पे देखिए हम आई एम सोन लेट, ओके, ये वाला जो ई स्टार किट, ई न्यूज लेटर्स, ई टेम्पलेट्स, ये सब आपको सब ऑनलाइन वेबसाइट में मिलेगा. बहुत सारा है, अब आगे बहुत सारा आ रहा है, मैंने देखा है वो अभी वेबसाइट में चेक करके, बहुत सारा भी आ रहा है. तो इट्स अ टोटली अपडेटेड वेबसाइट, तो वहां पे जाके आपको सब नॉलेज मिल जाते. ई स्टार किट में आपको पूरा मार्केटिंग प्लान मिलेगा, सब मिलेगा. ये जो मैंने जो स्लाइड दी गई इसमें तो थोड़ा थोड़ा मैचिंग भी आपको मिलेगा. तो ये सब आप लोग स्टडी कीजिए, थोड़ा तो एफर्ट्स आप लोग घर में बैठ के, आई थिंक ये लोग हम लोग सब कर सकते हैं, हम लोग 24 आवर्स फोन में सब कुछ देखते रहते हैं, वीडियोज एंड ऑल. तो आई थिंक ये भी एक कीजिए, जो वेबसाइट में जाके ये सब देखिए, स्टडी कीजिए. आई होप इट विल बी, मतलब ये बहुत हेल्प करेगा आपको. वो एक स्लाइड खोल के आप 10 मिनट भी स्टडी कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं है जब आपका स्लाइड चेंज हो जा रहा है या फिर कुछ. वो एक PDF है, आप घंटों भर बैठे बैठे स्टडी कीजिए, उसमें से आपका माइंड ओपन होगा, आप स्केलिंग में कैसे बिजनेस करेंगे वो भी ओपन हो जाएगा. देन इट्स कमिंग टू ईमेल मार्केटिंग. हम लोग मोबाइल में मोबाइल परचेस कर रहे हैं, हम लोग थ्रू ईमेल सब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. जैसे कि मैंने खुद देखा, जो मैं यहाँ पे बैठ के केलिंग चेन्नई ऑफिस से डायरेक्ट बात करके मेरा बिजनेस हो जा रहा है. इट्स दैट टाइप ऑफ अ प्लेटफॉर्म. आप यहाँ पे बैठ के चेन्नई में बात करें, मतलब आप सोच सकते हैं कि आप कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन आप थ्रू फोन सब कर ले रहे घर में बैठ के. सो ये दिस इज पॉसिबल ओनली बाय मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग. वेबसाइट देखिए, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप डायरेक्ट हेड ऑफिस से बात कर सकते हैं, ब्रांच ऑफिस से बात कर सकते हैं, तो आपको घर से भी नहीं निकलना पड़ रहा है. एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, आई विल से लाइक हम लोग का, आप लोग कितनों जन देखा है आई डोंट नो, बट फेसबुक, जैसे कि नीचे आप लोग आइकन देख रहे हैं, फेसबुक है, ओके सॉरी, ओके, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, सब जगह में स्केलिंग इंडिया है. आप लोग का पेज है फेसबुक में, यूट्यूब में चैनल है. आप बहुत जन हो सकता है जो लोग अभी न्यू ज्वाइनिंग है, उन लोगों को नहीं पता कि आगे क्या क्या मीटिंग हो चुका है. तो मैंने अभी बहुत सारा बार ये बोला है जो आगे का मीटिंग्स जो लोग अटेंड किए, बट कोई लोग है जो लोग नहीं अटेंड किए, नो इश्यू, यूट्यूब में वीडियोज है, आप लोग जाके देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एवरीथिंग इज देयर. So I think it will be a very big knowledge. मतलब आप लोग घर बैठ के सब knowledge ले रहे हैं. YouTube में पेज, हम लोग का Facebook पेज में हर एक अपडेट आता है, कुछ फेस्टिवल होता है उसका भी पर्सनल एक टेम्पलेट निकलता है, लाइक हैप्पी रक्षाबंधन, एवरीथिंग, सब फेस्टिवल का एक एक करके विश लिस्ट होता है, तो वो सब आप देख सकते हैं. आप कंपनी के साथ और डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. इवन फेसबुक में इंटरनेशनल स्केलिंग भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि
बाई इंटरनेशनल कितना ग्रोथ हो रहा है, हम लोग बाई वर्ड सिर्फ नहीं बोल रहे, आप लोग ओपनली देख सकते हैं घर पे बैठ के। तो वो सब कीजिए, वो सब करने पे ही आपका सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है, एक केलिंग में काम करने के लिए, नॉट ओनली केलिंग, इन एनी बिजनेस, आप अगर कोई भी बिजनेस में जा रहे हो, सेल्फ मोटिवेशन इज द मेन थिंग। आप जितना खुद मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव रहोगे, उतना इजी होगा आपको एक बिजनेस खड़ा करने में। टुडे आई एम ऑल्सो स्पीकिंग, वाई? बिकॉज आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, आई बिलीव इन केलिंग, आई लव केलिंग, सो आई कैन स्पीक लाइक दैट। अगर मैं वो सेल्फ मोटिवेटेड, वो एनर्जी मेरा अंदर नहीं रहता, तो अभी मैं जैसे चुपचाप नर्वस होके कुछ बोलने के आगे 10 बार सोचना, वो आ जाता मेरे अंदर। मैं इतना कॉन्फिडेंस, इतना बात कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव लर्न्ड इट फ्रॉम, आई हैव लर्न्ड केलिंग अ लॉट। लास्ट 2 इयर्स में मैंने बहुत कुछ लर्न किया, इवन मैंने मेरे फादर का भी जर्नी देखा है। सो आई स्टार्टेड बिलीविंग, not only started believing, I believed, I always believed. So thank you everyone. I hope the meeting is very much helpful. Rise up, go women, just go for it. मतलब आप लोग ऐसा मत सोचिए जे मैं कर पाऊंगी या फिर ऐसा कुछ। I am saying, मतलब मैं से जितना हो सकेगा, I will also help you all through this meeting, through programs. Okay. इवन अगर जब हम लोग का सब नॉर्मल हो जाएगा, हम लोग इंडिया में सब नॉर्मल, अगर मैं कभी भी आप लोग के जगह पे गई, बा आप लोग कभी भी वेस्ट बंगाल आए, मैं हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे। एक चलिए एक अच्छा सा विमेन एम्पावरमेंट बनाते हैं, जिससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं वी केलिंग इंडिया विमेन कैन ऑल्सो बिल्ड अ बिजनेस। ओके, एंड प्रूव दैट हम लोग मेन से भी कम नहीं है। ओके, मेंस अगर 10 अगर खड़ा रहेगा, तो हम लोग विमेन 30 खड़ा रहेंगे। ओके, थैंक यू सरन्या मैम। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। यस, इट वाज रियली फैंटास्टिक। आई शुड से थैंक यू टू यू, बिकॉज आपने बहुत सारे बात आज, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में अभी तक बात हुआ, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन जूम शो हम लोग ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज बात हुई। तो आपने बहुत सारे स्लाइड में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी, सब महिला जो ज्वाइन किए ना, सब लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आज, दे हैव लर्न मेनी थिंग्स टुडे, क्योंकि बी योर ओन बॉस, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि इस स्केलिंग बिजनेस में आप सब, यू आर द बॉस। सो यू, ये आपका बिजनेस है, ये आपका ऑफिस है, सो रोज आप क्या करना ना, सो आप रोज आपका जीनियोलॉजी तो चेक करना, सो बिकॉज दिस इज योर ऑफिस, सो आप रोज जीनियोलॉजी चेक करने से आपका डाउनलाइन कौन कौन है और आपका बिजनेस कैसे है। सो बिकॉज एज माई सेड, ये आपका ऑफिस है, सो आपका बिजनेस डेवलप करने के लिए, सो पॉलिमिन सरकार मैडम वो भी बताए, तो डेली यू शुड कॉन्टेक्ट योर अपलाइन, सो अपलाइन के पास भी बात करना, और अपलाइन के पास आप जो जो सीख सकते हैं ना, वो सीखने से आपका बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं। सो यू आर द लीडर, सो आपका डाउन में इतना सारा महिलाओं भी ज्वाइन किए हैं, सो यू शुड बी अ गुड लीडर, एंड आपका डाउनलाइन आप है सपोर्ट करना। सो अपलाइन के पास जो जो आप सीख सकते हैं, वो सीखने के बाद आपका डाउनलाइन को, आपका बिजनेस को, और ये सब आप है डेवलप करना। सो रियली इट वॉज अ फैंटास्टिक स्पीच टूडे। ऐसे बहुत सारे सेशन भी होने वाले हैं आगे वाले दिनों में। So at this moment, I wanted to thank Miss Pauline Sarkar. It was a very fantastic speech. Our easy situation is, I wanted to thank the Kaling India management and our Kaling India director, Mr. Jagdish and Subramanian. So thank you all, and thank you so much.